स्वागत है द न्यूटिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग हमारे रियलमी के 11 5G की, जो की है हमारा 1900 रुपए के प्राइस का डिवाइस, जिसमें आपको मिल जाती है 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी। तो फटाफट से खोलते हैं बॉक्स को और देखते हैं कि डिवाइस हमारा कैसा है और आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है। वैसे तो जैसे कि ये हमारा एक बिग बॉक्स है, मतलब चार्जर तो आपको बॉक्स के अंदर ही मिल रहा है। तो खोलते हैं, तो सबसे पहले नजर डालेंगे हम डिवाइस के ऊपर, जिसका कि मेरे पास यहाँ पे ग्लोरी गोल्ड कलर है। और वाओ, डिवाइस आप देख सकते हैं, देखने में हमारा काफी अच्छा लग रहा है। ये हमारा रियलमी का वही वाला डिजाइन है जिसमें गोल वाला हमारा कैमरा मॉड्यूल मिलता है और जो दो लेंसेज और नीचे हमारा जो फ्लैश है ना, ये बिल्कुल फेस की लुक देता है, जैसे किसी का फेस हो। मुझे तो डिवाइस की लुक ये काफी अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है, प्लास्टिक की फ्रेमिंग मिल जाती है और बॉक्सी डिजाइन के अंदर आपको ये मिलता है। मतलब आप देख सकते हैं कि बैक हमारी बिल्कुल फ्लैट है और एजेस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थिक देखने को मिल जाते हैं। मतलब बॉक्सी डिजाइन में तो ये डिवाइस है और उसके साथ डिवाइस का जो डिस्प्ले हमारा, वो भी हमारा एक बिग डिस्प्ले है 6.72 इंच का। मतलब कि इस डिवाइस को एक हाथ से होल्ड करके यूज करना थोड़ा मुश्किल है, आपको दो हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो बैक पैनल जो है हमारा वो काफी स्टाइलिश लग रहा है। इसके अंदर आपको एक अलग सा यहाँ पे एक लाइट इफेक्ट सा देखने को मिलता है, जो कि इसको एक अलग सी ही अट्रैक्टिव सी लुक दे रहा है। और उसके साथ जो बैक पैनल है पूरा, वो हमारा पूरा ग्लिटरी शिमरी इफेक्ट वाला है। तो डिवाइस हमारा काफी स्टाइलिश लग रहा है हाथ में होल्ड करा हुआ। वैसे आपको दो हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा यूज करने के लिए, लेकिन देखने में तो अच्छा लग रहा है। इसका वेट है हमारा अप्रोक्सीमेटली 190 ग्राम्स और अगर मैं बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको बिग बैटरी मिलती है 5000 mAh की। और बिग बैटरी वाले डिवाइसेस मुझे लगता है कि सबसे अच्छे होते हैं, मतलब बिग बैटरी हमें मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है और साथ ही बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे 67 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। मतलब बिग बैटरी के साथ एक फास्ट चार्जिंग, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन। उसके साथ आपको टाइप सी केबल मिलती है बॉक्स के अंदर, साथ ही इंजेक्शन पिन है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारा बैक केस आता है। अब ये अच्छी चीज है कि बॉक्स के अंदर आपको केस भी मिल रहा है, चार्जर भी मिल रहा है, मतलब सारी चीजें मिल रही हैं। तो बैक केस हमारा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लुक का है, इसको लगाने के बाद भी डिवाइस की लुक हमारी पूरी बढ़िया वाली नजर आएगी। और अच्छी चीज ये भी है कि डिवाइस के फ्रंट साइड में आपको यहाँ पे स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ मिलता है, तो मतलब बॉक्स से निकालो और फटाफट से आराम से यूज करो। इसके साथ एक और अच्छी चीज आती है कि डिवाइस के नीचे के साइड आपको यहाँ पे 3.5 हेडफोन जैक भी मिल जाता है, साथ ही हमारा माइक है, टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है, राइट साइड में पावर बटन के ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स आते हैं, टॉप साइड में आता है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक और उसके बाद लेफ्ट साइड में आती है हमारी सिम ट्रे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रिपल स्लॉट है, तो दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे 5G सपोर्ट भी मिल जाता है, वो भी 8 बैंड्स में। तो डिजाइन एंड लुक के हिसाब से तो डिवाइस हमारा बढ़िया हो गया। अब अगर मैं बात करूँ डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक न्यू चिपसेट देखने को मिलता है। ये है हमारा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100+। अब जैसे मैंने इनिशियल इस डिवाइस को यूज किया, टेस्ट किया, तो यहाँ पे मैंने डिवाइस का एंटीटू टेस्ट रन किया जिसमें हमारा स्कोर 4,34,000 के आसपास आया। सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट भी मैंने डिवाइस का रन किया था जिसमें 92% हमारा स्कोर आया। इसके बाद डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाती है और उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो रीड एंड राइट स्पीड है 500 Mbps के आसपास आपको दोनों मिल जाती हैं। तो देखा जाए तो आपको डिवाइस के अंदर यहाँ पे स्कोर्स जो हैं हमारे, वो बजट के हिसाब से काफी ठीक आए हैं। हालांकि एक दो डिवाइसेस ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर आपको इससे काफी अच्छी और परफॉर्मेंस मिल जाती है। मतलब जैसे कि एक डिवाइस आता है हमारा स्नैपड्रैगन 778G के साथ, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ इसी बजट के अंदर, जो आपके लिए मतलब एक और ऑप्शन की तरह आता है। तो जिन लोगों को वो वीडियो देखना हो तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो उसी का आएगा। अब इसकी बात करें तो वैसे मुझे इसका स्कोर ठीक लगा। और गेमिंग की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रिकमेंडेड सेटिंग्स जो है मीडियम ग्राफिक्स के मीडियम फ्रेम रेट पे आपको यहाँ पे मिल जाती है। और वैसे देखा जैसे कि नया चिपसेट है हमारा, तो कुछ टाइम यूज करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि रियल टाइम में, मतलब रियल लाइफ में यूज करने में ये डिवाइस हमारा कैसा निकल के आता है। साथ ही आपको डिवाइस के अंदर रियलमी UI 4 मिल जाती है, जो कि बेस्ड है हमारे एंड्रॉइड 13 पे। और आप देख सकते हैं कि डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे काफी सारा ब्लोटवेयर देखने को मिलता है। जो एप्स आप यूज नहीं करते मेरे हिसाब से उनको डिलीट कर देना चाहिए, पूरे फालतू के जो एप्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब आगे अगर मैं बात करूँ डिवाइस के यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे डिस्प्ले मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। मतलब आपको यहाँ पे बिग डिस्प्ले तो मिल रहा है 6.72 इंच का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पंच होल डिजाइन में सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बीजल्स आपको कम मिलते हैं, मतलब चिन साइड हमारी थिक आ रही है, लेकिन बाकी हेड जो है, साइड्स जो है वो कम है,
चिन्ह हमारी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एलसीडी पैनल मिलता है जिसके अंदर आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन और उसके साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। अब एक्चुअल में एलसीडी पैनल मुझे मेरे हिसाब से इस बजट के अंदर हमें यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए था। और वैसे मैं बताऊँ इस बजट के अंदर ठीक है हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलना ही चाहिए था, लेकिन Realme खुद भी इस बजट के अंदर जो डिवाइसेस आते हैं Realme के, जैसे Narzo 60 आता है या फिर हमारा Narzo का 50 Pro आता है, वो आपको इन्हीं बजट के अंदर मिल जाएंगे। उसके अंदर भी Realme ने AMOLED डिस्प्ले दिया है, तो इसके अंदर मेरे को लगता है कि LCD की जगह AMOLED ही देना चाहिए था, वो ज्यादा बेटर रहता। मतलब अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर्स आ रहे हैं वो उतने पंची आपको नहीं लगेंगे, व्यूइंग एंगल्स इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, ब्राइटनेस भी आपको डिवाइस की इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो ओवरऑल देखा जाए एलसीडी की जगह एमोलेड ही होना चाहिए था। वैसे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है तो स्क्रॉलिंग करेंगे तो काफी स्मूथ आपको यहाँ फील होगा। इसके साथ डिवाइस का जो ऑडियो है, हालांकि यहाँ पे उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत मुझे देखने को मिली कि आपको यहाँ पे सिंगल स्पीकर मिलता है। अब एक्चुअल में देखा जाए ना मेरे हिसाब से डुअल स्पीकर्स ही हमें मिलने चाहिए, जो हमारा सेकंड स्पीकर होता है वो इतना कोई कॉस्टली नहीं होता, तो मेरे हिसाब से कंपनीज को वो हटाना नहीं चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल स्पीकर हो तो एक्सपीरियंस हमारा काफी खराब हो जाता है। गेम खेलने में आपकी आवाज कट जाएगी, मूवीज देखने में आपकी आवाज कट जाएगी अगर आप यहाँ पे आपका हाथ लग जाए, तो इसीलिए मुझे लगता है डुअल स्पीकर जरूरी है ताकि आपको एक अच्छा साउंड इफेक्ट मिले। वैसे आप यहाँ पे एक सिंगल स्पीकर का सुन सकते हैं सैंपल। इसके साथ अगर मैं बात करूं डिवाइस के कैमरास के बारे में तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 108 प्लस 2 मेगापिक्सल का, और 16 का है हमारा सेल्फी कैमरा। वैसे देखा जाए बैक के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पे सिंगल कैमरा ही आप कह सकते हो, क्योंकि 2 मेगापिक्सल का यूजलेस कैमरा है, तो आप कह सकते हो आपको सिंगल कैमरा मिलता है 108 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा लगा कि यार अल्ट्रा वाइड हमें मिलना चाहिए। वैसे देखा जाए ना इस बजट के अंदर काफी सारे ब्रांड्स हैं जो कि अल्ट्रा वाइड को ना हटाते जा रहे हैं। प्लीज यार मत हटाओ, आप पब्लिक से पूछो, पब्लिक के लिए एक्चुअल में अल्ट्रा वाइड कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत क्रिएटिव पिक्स लोग क्लिक करते हैं, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे लोग डालते हैं, तो हटाना नहीं चाहिए। इस बजट के अंदर मुझे लगता है अल्ट्रा वाइड हमें मिलना ही चाहिए था। चलो अभी आपको सिंगल जो कैमरा मिलता है वो मुझे वैसे बजट के हिसाब से काफी ठीक लगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कई सारे सैंपल्स लिए थे, यहाँ पे आपको पिक्स के अंदर जो कलर्स मिल रहे हैं वो काफी पंची मिल रहे हैं, अच्छी लाइवली सी पिक्स लग रही है हमारी, जिसके अंदर कंट्रास्ट को वाइट बैलेंसिंग को मेंटेन कर पा रहा है। यहाँ पे आपको एज डिटेक्शन भी पोर्ट्रेट मोड के अंदर सही देखने को मिल जाता है, बैक में तेज लाइट है लेकिन तब भी अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है। पिक्स मुझे यहाँ पे काफी सही लगी बजट के हिसाब से। इवन सेल्फी कैमरा की मैं बात करूँ तो उसका भी 16 मेगापिक्सल का हमारा जो कैमरा है उसके पिक्स हमारी काफी ठीक निकल के आई है। कई सारे मैंने सैंपल्स यहाँ पे क्लिक किए थे उसमें भी कलर्स हमारे काफी अच्छे लग रहे हैं, एज डिटेक्शन हमारा वहां पे अच्छा निकल के आ रहा है और बैक लाइट को भी अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है, अच्छी स्किन टोन को भी मेंटेन कर पा रहा है। तो मुझे यहाँ पे कैमरा बजट के हिसाब से फोटोग्राफी में तो काफी सही लगा। अब अगर मैं बात करूँ वीडियोग्राफी के बारे में तो सबसे पहले तो 4K रिकॉर्डिंग करने की आपको यहाँ पे इसके बैक कैमरा से ऑप्शन नहीं मिलती है, जो कि मुझे लगता है मिलनी चाहिए। मतलब 20,000 रुपए के बजट में आप कोई फोन खरीदते हैं तो उसके अंदर 4K की ऑप्शन होनी चाहिए। वैसे इसके अलावा देखा जाए तो फुल एचडी वीडियो जो आपको यहाँ पे मिलता है उसके अंदर हमारा जो EIS है ना वो बाय डिफॉल्ट ही ऑन है, आपको उसको अलग से ऑन करना नहीं है, बाय डिफॉल्ट ऑन है। तो आप यहाँ पे जो वीडियो लेंगे वो आप देख सकते हैं कि आपको काफी स्टेबल लगेगा। कलर्स एंड क्वालिटी वाइज भी मुझे बजट के हिसाब से ओके ही लगा। और सेल्फी कैमरा का वीडियो आप देख सकते हैं फुल एचडी में लिया है मैंने, यहाँ पे बैक में लाइट हो तो ब्लोन नहीं करता है लेकिन शेकी वीडियो देखने को आपको मिल जाता है, तो स्टिल वीडियो लेंगे तो ठीक है, मूव करते हुए वीडियो बनाएंगे तो काफी ज्यादा शेकी वीडियो मिलेगा। तो गाइस ये था हमारा डिवाइस, हमारा रियलमी का 11, जो कि देखा जाए अगर आप लोगों को LCD डिस्प्ले से कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस फोन के लिए जा सकते हैं, वरना वैसे देखा जाए तो मैं और भी आपको डिवाइसेस बताऊंगी इस बजट के अंदर भी, इसके नीचे के बजट में भी, इससे ऊपर के बजट में भी, जिन जो आपके लिए बढ़िया रहेंगे। सो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।